सुशांत सिंह राजपूत केस में डॉक्टर स्वामी ने अब सीबीआई के सुपरवाइजर से बात की है। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया और सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर उन्होंने बात की है। क्या है पूरी खबर, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। डॉक्टर स्वामी ने 5 सवाल उठाते हुए एक लेटर जो है वो संसद की स्थायी समिति को लिखा था, जिसकी आज मीटिंग थी, और उसके बाद जो है अब हेल्थ मिनिस्ट्री से इस पर जवाब मांगा गया है कि वो इसका एनालिसिस करके बताए, और एम्स की जो रिपोर्ट थी जिसने कूपर की 7 कमियों को उठाया था उस पर भी मैंने आपको बताया कि कौन सी वो 7 कमियां थी। अब डॉक्टर स्वामी ने कहा कि मैंने जो है एक लेटर और लिखा है और अब मैंने सीबीआई के सुपरवाइज़र जो हैं जितेंद्र सिंह उनसे खुद बात की है। दरअसल उनके हाथ में क्रिमिनल सारा सुपरविजन नहीं होता, लेकिन पे फेलिसिटेशन और फंड वगैरह का काम होता है। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बताया कि पूरा मैटर जो है मेडिकल बोर्ड जाना चाहिए, एम्स की मेडिकल बोर्ड में जाना चाहिए और इसका फिर से रीएवैल्यूएशन होना चाहिए, रीएनालिसिस होना चाहिए। मैंने ये भी कहा है कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी, इन तीनों ही सेंट्रल एजेंसीज को जो भी सबूत फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के केस में मिले हैं, जो भी प्राइमा फेशिया एविडेंसेस मिले हैं, उसके आधार पर उन्हें चार्जशीट दायर करनी चाहिए, क्योंकि ये केस पूरा का पूरा क्लियर कट मर्डर केस है। पहले ही दिन से मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस में जो लापरवाही बताई है, एम्स ने अपनी रिपोर्ट में जो 7 कमियां उठाई हैं कूपर की रिपोर्ट पर, उससे एक बात साफ हो जाती है कि ये पूरा केस मर्डर का केस है। तो उनका ये कहना है कि मैंने सीबीआई के सुपरवाइजर से भी बात की और उनको भी ये कहा है कि आप जो है, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो एम्स ने रिपोर्ट तैयार की है वो मेडिकल बोर्ड के पास फिर से सुपरविजन के लिए जानी चाहिए, इसका रीएनालिसिस होना चाहिए। इतना ही नहीं, डॉक्टर स्वामी पहले से ही कह रहे हैं कि जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या जो एविडेंस उनको मिले हैं उसी के आधार पर एक चार्जशीट दायर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, वो इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि 302 के अंडर जो है मामला दर्ज होना चाहिए। तो अब जो है आज संसदीय समिति में फिर से ये मामला गूंजा था और अब जो है स्वास्थ्य मंत्रालय से इस पर जवाब मांगा गया है। देखते हैं इस पर कुछ नया अपडेट जो एम्स की रिपोर्ट आगे भेजी गई है उस पर क्या आता है।